ब्यूरो नियुक्त करना है। लोकप्रिय समाचार चैनल दोपहर न्यूज के लिए उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर, दतिया, रतलाम, बैतूल, गुना, कटनी, जबलपुर, दुर्ग, देवास, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शिवनी, रीवा, छतरपुर, रायपुर आदि सहित अन्य सभी जिले, शहर और कस्बों में ब्यूरो प्रमुख, विशेष संवाददाता और विज्ञापन प्रतिनिधि की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक और अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें। संपर्क न्यूज एडिटर राजेश पिपलोदिया, मोबाइल नंबर 8893000073। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शाकाहार दिवस के रूप में मनाई जाएगी महात्मा गांधी की जयंती। रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों पर नहीं मिलेगा मांसाहार। डीआरएम ने सभी स्टेशनों को दिए हैं निर्देश, 2 अक्टूबर को सभी ट्रेन में मांसाहार रहेगा प्रतिबंध। चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है भाजपा, प्रदेश भर में अलग अलग प्रभारी बनाकर सौंपी कमान। इंदौर शहर में भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे को सौंपी चुनावी चंदे की कमान। ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संभालेंगे। मालवा से फिर रूठा मानसून, झमाझम बारिश की बजाय निकल रही है तेज धूप। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, 10 दिन तक बारिश के नहीं है कोई आसार। औसत बरसात के आंकड़े से 9 इंच पीछे है इंदौर शहर। भाजपा ने शहर भर में लगाया अवैध होर्डिंग, कांग्रेस ने लगाया आरोप। निगमायुक्त को नेता प्रतिपक्ष ने दिया ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, कहा सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी। निगमायुक्त ने दिया आश्वासन, बीजेपी के होर्डिंग लगे दिखे तो 24 घंटों में होगी कार्रवाई। ओला कैब कंपनी के दफ्तर पर लगा ताला, 5 दिनों से परेशान हो रहे हैं चालक। ओला कैब कंपनी के ड्राइवरों के साथ हुई धोखाधड़ी, 4 वर्ष की लीज देने के बाद 1 वर्ष में ही कंपनी ने बदले नियम और शर्तें। परेशान ओला चालक पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय और दिया ज्ञापन। मंगलवार को इंदौर रेलवे स्टेशन पर बोहरा समाज का उमड़ा जनसैलाब। बोहरा समाज के लोगों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पहुंची इंदौर। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में बोहरा समाज के लोग पहुंच रहे हैं इंदौर। बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब के दीदार के लिए चारों दिशाओं से आ रहे हैं उनके अनुयायी। बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना साहब के इंदौर में होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को मुंबई से बोहरा समाज के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन इंदौर पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन आए हैं। ट्रेन के इंदौर स्टेशन पर पहुंचते ही समाजजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उल्लेखनीय है कि सैयदना साहब 10 दिन की वास के लिए इंदौर शहर आए हुए हैं। स्पेशल ट्रेन में आए हैं, यहाँ पे सैयदना साहब का 10 दिन का मुहर्रम का इंतजाम है इंदौर के अंदर। हम उसके लिए आए हैं, इमाम हुसैन के ऊपर गम करने के लिए जो 10 दिन का रहता है हमारे मुस्लिम लोग में, वह सैयदना साहब ने इस साल इंदौर को बदल फरमाया है। तो सब पूरे कौम, पूरी समाज के कौम लोग सब इंदौर में एक साथ आके इमाम हुसैन के नाम के ऊपर गम करना है। जब तक सैयदना साहब इंदौर में हैं, तब तक मुंबई से लगातार समाजजन आते रहेंगे। मंगलवार को इंदौर का राजा गणेशोत्सव के लिए गुजरात के अक्षरधाम पर आधारित पांडाल बनकर तैयार हो गया है, जिसका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केसरिया ध्वजा का पूजन हुआ। 151 फीट ऊंचाई पर लगने वाली इस ध्वजा का पूजन वेद पाठी बटुको द्वारा किया गया। आलोक दुबे फाउंडेशन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 13 सितम्बर से होगी। इसमें 12,500 वर्ग फीट में गुजरात के अक्षरधाम की प्रतिकृति बनाई गई है। साथ ही 12 फीट की इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना भी की गई। 10 के बजाय 11 दिनों ये आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि एक तिथि बढ़ रही है इस वर्ष। हम 10 के बजाय 11 दिन ये आयोजन करने जा रहे हैं। इस साल इंदौर का राजा हमने अक्षरधाम गांधीनगर की प्रतिकृति बनाने का प्रयास किया है। इस वर्ष फिर पुनः जीरो वेस्ट पांडाल हमने बनाया है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया है जिसे इस्तेमाल करके और फेंक दिया जाए, जो कहीं गंदगी या कहीं कचरा फैलाए, ऐसी कहीं स्थिति इस पांडाल में निर्मित नहीं होगी। 21,000 बांसों का हम इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। 10,000 रनिंग मीटर कपड़े से ये पूरी प्रतिकृति बनाई गई है और 2 ट्रक थर्मोकोल का इसमें समावेश किया गया है।
संस्थागृह मंच द्वारा पहल 2018 कार्यक्रम का प्रथम निमंत्रण खजराना गणेश मंदिर में दिया गया। वहीं संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को रविन्द्र नाट्यगृह में समाज सेवियों का सम्मान किया जाएगा। मंगलवार को बाबा रामदेव जी महाराज के भक्तों ने उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर शोभा यात्रा सहित अन्य आयोजन हुए। बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव भादो मास की बड़ी दूज को मनाया जाता है। मंगलवार के दिन ये शुभ अवसर आया था। इस अवसर पर महावर नगर स्थित बाबा रामदेव जी के प्राचीन मंदिर पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, साथ ही पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा की पालकी उठाई, वहीं शोभा यात्रा जहां से भी निकली उसका जोरदार स्वागत किया गया। आज ये बाबा रामदेव जी का जन्म उत्सव है। सन 1515 बाबा साहब का अवतार हुआ था और ये जोधपुर जैसलमेर के बीच में रुणिजा दरबार है। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं बाबा साहब के चरणों में, लाखों लोग वहाँ आते हैं। उसी के बाबा साहब के जन्मदिन के पावन अवसर पर हम बाबा रामदेव मंदिर महावर नगर महावर कोली समाज की ओर से ये चल समारोह काट रहे हैं। श्री बाबा रामदेव मंदिर प्राचीन मंदिर है बाबा साहब का। ये बरसों से यहाँ पे बाबा साहब का दरबार है और काफ़ी दिनों से बाबा साहब का चल समारोह काटते आ रहे हैं और हर साल मैं बाबा रामदेव जाता हूँ बाबा के चरणों में। ये रामसा पीर, पीरों के पीर कहलाते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के रुणिजा के राजा अजमल जी के घर रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामदेवरा में समाधि स्थल पर दूज के दिन लाखों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं देश भर में उनके भक्त अपने अपने हिसाब से बाबा का गुणगान करते हुए इस तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छता दिवस के साथ ही अब शाकाहार दिवस के नाम से भी मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर को इंदौर सहित रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों पर मांसाहार नहीं मिलेगा। रतलाम रेल मंडल से निकलने वाली ट्रेनों में मांसाहार भोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर DRM ने सभी स्टेशनों को निर्देश दिए हैं कि इस दिन कोई भी कैंटीन संचालक मांसाहार भोजन न बनाएगा और न परोसेगा। दरअसल रेल मंत्रालय ने केंद्र सरकार से गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को ट्रेन में मांसाहार भोजन नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी। इस कारण अब राष्ट्रपिता की जयंती न सिर्फ स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाई जाएगी बल्कि ये दिन शाकाहार दिवस के नाम से भी मनाया जाएगा। पिपलियाहाना स्थित स्कीम नंबर 140 में 193 प्लॉट बेचने के लिए IDA ने बुकिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को 400 से ज्यादा फॉर्म बिक चुके थे। ये फॉर्म 20 सितंबर तक लेकर जमा किए जा सकेंगे। 22 सितंबर को प्लॉट के लिए मिलने वाले टेंडर खोले जाएंगे। IDA अध्यक्ष शंकर लालवानी ने बताया कि स्कीम में 2009 में भी प्लॉट निकाले थे जो 950 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से दिए थे। अब नए सिरे से यहाँ प्लॉट निकाले हैं। इसी के साथ आनंद वन हाईराइज में बचे फ्लैट भी जनरल श्रेणी में हो चुके हैं, इसीलिए उनके लिए भी आवेदन मंगवाए गए हैं। CEO कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि जिस तरह की उम्मीद थी वैसा ही रिस्पांस मिला। आवेदकों के पास 9 दिन हैं। मंगलवार से भाजपा एक बार फिर चुनाव के लिए चंदा जुटाने में लग गई है। प्रदेश में अर्थ संग्रह के लिए भाजपा ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जवाबदारी सौंपी है। इंदौर शहर में कृष्ण मुरारी मोघे और ग्रामीण में कैलाश विजयवर्गीय को इस बात की जवाबदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 12 अगस्त से ये अभियान शुरू किया था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के कारण उसे बीच में ही रोक देना पड़ा। भाजपा ने पूरे प्रदेश से लगभग 50 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। हर विधानसभा में कम से कम 20 लाख रुपए का लक्ष्य है। अर्थ संग्रह का अभियान 21 सितंबर तक रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने वाली 3-स्टार रेटिंग की निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि इस माह निरीक्षण होने के आसार नहीं है। निगम ने देश भर में सबसे पहले 3-स्टार रेटिंग के लिए आवेदन कर 15 सितंबर तक निरीक्षण करने की गुजारिश की थी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 3-स्टार रेटिंग से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है। फिलहाल ये तय नहीं है कि निरीक्षण कब होगा। केंद्र की तरफ से कहा गया कि संभवतः अक्टूबर में ही टीम निरीक्षण के लिए आ पाएगी।
निगम ने सबसे पहले शहर के 50,000 घरों में कंपोस्टिंग के लिए कवायद शुरू की है। हर बड़ी कॉलोनियों में 1,000 घरों का चयन किया गया है। वैसे भी इस बार 2019 के लिए अगले 4 माह में 6 सर्वे होंगे, सभी में अव्वल आना होगा। ODF का दर्जा भले ही मिल गया है, लेकिन कुछ ही माह में ODF प्लस और फिर डबल प्लस की प्रतिस्पर्धा होगी। इंदौर सहित पूरे प्रदेश से मानसून गायब हो गया है। आसमान नीला दिख रहा है। दिन भर धूप व उमस लोगों को सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिन तक तेज बारिश होने के आसार नहीं है। बारिश अब तक इंदौर में पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई है। इस समय तक 29 इंच पानी गिरना चाहिए था, पर आंकड़ा 25 इंच है। औसत बारिश के लिए 9 इंच पानी की और दरकार है। अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री दर्ज हुआ। सितंबर के 10 में से 8 दिन तक बादल छाए रहे। बारिश 4 दिन ही हुई, अधिकतम 2 मिलीमीटर हुई। बाकी दिनों में तेज पानी नहीं गिरा तो औसत वर्षा तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। शहर भर में भाजपा सरकार के लग रहे अवैध होर्डिंग के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मंगलवार को सिटी बस ऑफिस कार्यालय पर आयुक्त आशीष सिंह को ज्ञापन दिया गया। नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख हलीम के नेतृत्व में कार्यकर्ता सिटी बस ऑफिस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नगर निगम प्रशासन कांग्रेस के लगे अवैध होर्डिंग को तत्काल हटा देने की कार्रवाई करता है, वहीं सत्ता प्रतिपक्ष के दबाव से भाजपा से जुड़े अवैध होर्डिंग बेधड़क शहर में लगे हुए हैं, जिनके हटाने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस नगर निगम ने जो एक्ट बना है प्रदेश सरकार से अवैध होर्डिंग लगाने की और बिना अनुमति के, तो हम देख रहे हैं कि शहर में जितने भी बीजेपी नेता हैं और जितने महापौर जी हैं, वो जो खुद अवैध होर्डिंग लगा रही हैं, हम उसका ज्ञापन देने आए थे। और हमने कमिश्नर से यही बोला है साहब से कि आपने क्या कांग्रेसियों के लिए ये एक्ट बनवाया है? जो हमारे जितने भी कांग्रेस के पार्षद हुए, चाहे कांग्रेस के नेता हुए, आप उनके होर्डिंग निकालने तुरंत पहुंच जाते हैं और इन सत्ता पक्ष के दबाव में आपके आप कभी होर्डिंग नहीं निकालते। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जहां भी हमें दिखें हम निकालेंगे, और आपको दिखे तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं 24 आवर्स में इसको हटा दूंगा। हम कमिश्नर साहब से मिलना आए थे, बहुत सारी जो समस्या थी शहर हित में, उसमें प्रमुख समस्या ये थी कि जो होर्डिंग लग रहा है, जो अवैध होर्डिंग ये लगा रहे हैं दूसरे पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरे नेताओं के लिए, अदर कोई सी पार्टी हो, उसके लिए तो नियम है कि 24 घंटे के अंदर ये होर्डिंग उतार के फेंक देते हैं। हमने इनको नामजद शिकायत करी और बताया कि स्थानों पे कौन कौन से होर्डिंग लगे हैं, किसके जन्मदिन है, नेताओं के बेटों के जन्मदिन के होर्डिंग, आकाश विजयवर्गीय के होर्डिंग, नामजद मैं बोल रहा हूँ, और सारे होर्डिंग जो लगे हुए हैं या तो आप उनको भी उस नियम के तहत हटाइए या दूसरे लोगों को भी होर्डिंग लगाने के लिए उसमें समय अवधि दीजिए। तो कमिश्नर साहब ने बात मानी है कि हम उसको कर रहे हैं, अगर नियम है तो सबके लिए, वरना हमने इनसे मांग की है कि जो आपने जो नियम बनाया है अवैध होर्डिंग जो लगा रहा है उस पर 188 की कार्रवाई करो और 151 की जो सौजन्य से लगाता है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्षद दल जिस संबंध में मिला था, उनका ये कहना था कि बैनर पोस्टर निकालने में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा उनका ज्ञापन था। इस संबंध में मेरा कहना है कि नगर निगम के द्वारा विगत 10-15 दिनों से हम लोग जो भी अवैध बैनर पोस्टर होर्डिंग है उनके खिलाफ काफ़ी व्यापक रूप से अभियान चला रहे हैं। 95% जगहों से हमने सारे बैनर पोस्टर निकाल दिए हैं। कुछ 5% जगहों पे कुछ कुछ बचे हुए हैं जिनके निकालने की कार्रवाई जैसे ही लोग लगाते हैं वैसे ही हमारे द्वारा करी जाती है। इस संबंध में 6 लोगों के खिलाफ FIR भी हमने कराई है कि जो लोग बैनर पोस्टर लगाते हुए जिस समय हमने पकड़े थे, और चूँकि ये ऐसा कार्य है जिसमें हमको जनता का और जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी आवश्यक है, तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करूँगा जनप्रतिनिधियों से कि शहर को साफ रखने में और नगर निगम के जो प्रयास हैं शहर को साफ रखने में और होर्डिंग मुक्त रखने में, उसमें कृपया सहयोग प्रदान करें। हालांकि निगमायुक्त ने साफ शब्दों में कहा है कि वह सत्ता प्रतिपक्ष के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। अगर बीजेपी से संबंधित कोई भी होर्डिंग लगे दिखे तो तुरंत संपर्क करें, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों एक और बड़ा घोटाला चर्चा में आ रहा है। मामला ओला कैब कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसके विजयनगर क्षेत्र से दफ्तर पर 5 दिनों से ताला लगा हुआ है, जहां कोई भी जवाबदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। ओला कैब कंपनी से जुड़े कार चालक पिछले एक सप्ताह से कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को इन लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भेंट करते हुए अपनी समस्या बताई है। कार चालकों ने बताया कि बोनस बंद करने और किराया बढ़ाने से वे पहले से ही परेशान थे। ओला कैब कंपनी ने 4 वर्ष की लीज दिए जाने के बावजूद एक ही वर्ष में नए नियम शर्तें लागू कर दी, यहां तक कि कंपनी का भी अता पता नहीं है।
इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी ने गाड़ियां 4 वर्षों की लीज पर दी थी, जिसमें गाड़ी देने से पहले ड्राइवरों से 25,000 की राशि जमा कराई गई। उसके बाद ड्राइवरों से प्रतिदिन 707 रुपए भाड़ा नकद लिया। इस लिस्ट में मेंटेनेंस का खर्चा भी कंपनी खुद ही उठाने वाली थी, लेकिन अब 1 वर्ष बाद ही कंपनी ने नए नियम शर्तें बताते हुए गाड़ी भाड़ा बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया है, जो गरीब ड्राइवर वहन नहीं कर पा रहा है। कंपनी ने हमें जब गाड़ियां दी थी तब कंपनी की शर्त थी कि हम 0% में गाड़ियां कमीशन रहेगा और 707 रुपए रोज का किराया रहेगा। हम आपकी गाड़ियों को संपूर्ण मरम्मत से लेके तो आपका जो सर्विसिंग वगैरह होता है हम करवा के देंगे। लेकिन मैम जो आज कंडीशन है, आज की कंडीशन में कंपनी को 761 रुपए कंपनी ने अपना रेंट कर दिया है गाड़ियों का, और कमीशन जो 0% था उसको बढ़ा के 30% कर दिया है। अब गाड़ियाँ जो हमारी मरम्मत के लिए जा भी रही हैं उनमें कंपनी ने शर्त ये रखी है कि हम आधा काम हम कराएंगे, आधा आपको अपने पर्सनल खर्चे पे करवाना होगा। अब मैम सभी यहाँ जो ड्राइवर भाई हैं कुछ कमाने के लिए कंपनी से गाड़ियाँ ली थी, ना कि अपने घर से पैसा ला के देने के लिए। मैम जब गाड़ी पे 1,000 रुपये धंधा होता है तब भी जाके ड्राइवर को 400 से 500 रुपये अपनी जेब से मिलाना होते हैं, तो मैडम इस तरह से हर ड्राइवर भाई दुखी है। कोई भी गाड़ी चलाना तैयार नहीं आज कंपनी के लिए। कंपनी पिछले 5 दिन से अपना ऑफिस बंद करके गायब है। अब अपनी बात किसके पास रखें, हम 5 दिन से हड़ताल पर। मैम आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है, अब ये हड़ताल जो हमारी है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है मैम। यहाँ तक कि ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी करते हुए कंपनी गाड़ी को मेंटेनेंस का किराया भी पूरा देने के बजाय आधा ही दे रही है, बाकी का ड्राइवरों से देने का बोल रही है। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। बोरा समाज के नए हिजरी साल 1440 का मंगलवार को पहला दिन रहा। इस दिन बोरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब ने विशेष नमाज अदा करवाई। बोहरा समाज के लिए नए साल में सैयदना साहब के इंदौर में 10 दिवसीय कार्यक्रम में होना दुगनी खुशी है। इसके लिए सोमवार रात को समाज द्वारा घरों में विशेष थाल सजाए गए, जिसमें 30 से 40 व्यंजन होते हैं। नए साल में समाजजन एक दूसरे से मिलकर खुशी जाहिर करते हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन विशेष भोज का भी आयोजन किया जाता है। इंदौर विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने मंगलवार को पोलो ग्राउंड स्थित कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि तकरीबन 150 से अधिक कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों का ये भी कहना था कि वह तकरीबन 15 वर्षों से विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी है, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और उसके बाद भी इस तरह की मनमानी वरिष्ठ अधिकारी सुब्रतो रॉय सहित अन्य के द्वारा की जा रही है। हम सभी जो है विद्युत मंडल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी है। विगत 10-15 सालों से हम बिजली कंपनी में कार्य कर रहे हैं और विगत 14 तारीख को श्रीमान अधीक्षण यंत्री द्वारा हम सभी कर्मचारियों की छटनी करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो कि मतलब कंपनी पूर्व से ही कई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद में कर्मचारियों की कमी से यूँ भी जूझ रही है और उन कर्मचारियों का अधिकतर कार्य जो है वो हम ही सभी आउटसोर्स कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें भी और कमी करने के आदेश जारी करके मतलब श्रमिकों के साथ में बहुत ही अत्याचार करने की दमनकारी नीति अपनाई जा रही है कंपनी प्रबंधन द्वारा, उसके विरोध में हम सब लोग आज यहाँ प्रकट हुए और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों ने घोषणा भी की है कि यदि आने वाले समय में हमारी मांगों को नहीं माना गया तो सामूहिक आत्महत्या भी की जाएगी। साथ ही अधीक्षक यंत्री की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ CMD आकाश त्रिपाठी को भी शिकायत की जाएगी। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई ठंडी नजर आई। PM नरेंद्र मोदी के 14 सितंबर को होने वाले इंदौर दौरे की तैयारियों में लगे सभी अधिकारी व्यस्त नजर आए। हालांकि इस बार जनसुनवाई में भी कोई खास शिकायतकर्ता नहीं पहुंचे। इनमें मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की योजना को लेकर शिकायत करने स्कूली छात्र आई। उसका कहना था कि नवी क्लास में 82% आने के बावजूद भी इस योजना की राशि अभी तक नहीं मिली। वो मेधावी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति है ना, वो अभी तक नहीं आई है। कौन सी क्लास में? 12th।
ट्वेल्थ में। कौन से स्कूल कहाँ पर है ये? शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय भागतपुर इंदौर। वहाँ पर क्या बोल रहे स्कूल प्रिंसिपल? मैडम ने बोला है पहुँचा तो दिया है मगर अब देखते हैं आ सकते हैं और नहीं भी आ सकती ऐसा बोला है। चार बच्चे थे तो तीनों को मिल गए मेरे को नहीं मिले। हाँ पूछा तो नहीं बताया मैडम ने। हाँ उनने बस बोला पहुँचा दिए मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर आए तो क्या बोला? यहाँ पर इनने ये बोला है कि डीओ ऑफिस जाओ। वहीं दूसरी ओर ताज कॉलोनी से एक पिता अपने बेटे द्वारा मकान पर कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे, जहां अन्य अधिकारियों ने उसके आवेदन को लेकर खानापूर्ति कर दी। निजामुद्दीन, कहां घर का है आपका? ताजनगर में। ताजनगर में तो क्या आपके बेटे ने क्या किया है? वो कब्जा कर लिया मेरे को, किराया था, बोले किराए से नहीं आपको किराया दूंगा। मेरे को रेन दो, मैंने रेन दिया तो मेरे को भगा दिया बाहर और वो कब्जा करके बैठ गया। इमामुद्दीन जी हाँ। मैंने केस लगाया था यहाँ पे, तो यहाँ से ऑर्डर हो गया था तो उसने एस टी ऑर्डर लगा दिया था कोर्ट में, तो कोर्ट से भी खारिज हो गया। उसने केस लगाया वो भी खारिज हो गया। अब यहाँ लाके मैंने वो आवेदन दिया है उनको, मेरे नाम पे टैक्स मैंने भरा, नोटरी मेरे नाम से, सारे काम काज मेरे। वो अभी भी मुझे निकल नहीं दिया ऐसा नहीं। उन्होंने कहा भाई कोर्ट में केस लगाया था, तो बोले वो केस कोर्ट जो कर देगी वो बाद में होगा निकाल, तो कोर्ट ने वो केस भी खारिज कर दिया और ये एस टी आर लगाया था वो भी खारिज कर दिया। इस बार जनसुनवाई में शिकायतकर्ताओं की भीड़ देखने को नहीं मिली। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए दोपहर न्यूज के साथ। ग्रेटनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाने वाली ग्रेट इंस्टेंट ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर के 5/2 बैराठी कॉलोनी मेन रोड टावर चौराहा इंदौर और 246 ऊषा नगर एक्सटेंशन रंजीत हनुमान मंदिर रोड इंदौर पर अपने 2 शोरूम स्थापित कर चुकी है। दोनों शोरूम पर मिलेगी आपको फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, हिताची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न दे रहा है अपने ग्राहकों को हर खरीदी पर एक निश्चित उपहार। यही नहीं, ग्रेट ईस्टर्न ने दिया है लोएस्ट प्राइस चैलेंज कीमतों में दुगना अंतर। बजाज कैपिटल, फर्स्ट HDB, HDFC EMI कार्ड ग्राहक को 0% फाइनेंस सुविधा। इसके साथ ही खरीदे गए माल की 50 किलोमीटर तक मुफ्त डिलीवरी। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। इंदौर कौटिल्य अकादमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकादमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकादमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकादमी, शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भंवर कुआं चौक इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकादमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मूसाखेड़ी के राजा का 20वें वर्ष में प्रवेश। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर भव्य भजन संध्या का संगीतमय आयोजन रखा गया है, जिसमें हजारों महिलाएं एवं गणेश भक्तों द्वारा रंगारंग नृत्य, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, साथ ही अन्य आकर्षक उपहार वितरित किए जाएंगे। आप सभी को सर्वधर्म एकता गणेश उत्सव समिति द्वारा सादर आमंत्रण। दिनांक 12 सितंबर 2018, समय रात्रि 8 बजे। आयोजक सर्वधर्म एकता गणेश उत्सव समिति, निवेदक तुलसी राजू प्रजापत मूसाखेड़ी के राजा, गणेश भक्त मित्र मंडल इंदौर। बुलेटिन में अब रुक करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों की ओर। पड़वाह के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में रानी सती दादी जी का जन्म एवं विवाह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये आयोजन भादो मास में किया जाता है। इस अवसर पर महू के सुप्रसिद्ध मंगल पाठ वाचकों द्वारा मंगल पाठ का वाचन करते हुए श्री दादी जी का दरबार सजाकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई एवं 56 प्रकार के व्यंजनों का 56 भोग लगाया गया। भक्तगण श्री गुर्जामल जी के घर जन्मी श्री नारायणी बाई को रानी सती दादी जी के नाम से पूछते हैं। मंगल पाठ को बड़वा के श्री श्याम दादी परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है। दोपहर न्यूज के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। चंद्र तपे सूरज तपे
ओंकारेश्वर में जन्माष्टमी के दिन से आरंभ हुई मटकी फोड़ स्पर्धा का मंगलवार को समापन हो गया। इस बार बबलू केवट ने मटकी फोड़ कर इनाम जीता है। सैकड़ों युवकों ने इस मटकी को फोड़ने के लिए प्रयास किया था। प्रतियोगिता में नाविक संघ के द्वारा 11,000 की इनामी राशि रखी गई थी। पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से नाविक संघ ओंकारेश्वर में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। नाविक संघ के अध्यक्ष कैलाश भवरिया ने बताया कि जन्माष्टमी महापर्व से ओंकारेश्वर में अनोखी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस अनोखी मटकी फोड़ प्रतियोगिता में नर्मदा के दो छोर ब्रह्मपुत्र एवं विष्णुपुरी क्षेत्र की पहाड़ियों पर मजबूती से रस्सी बांधकर नर्मदा नदी के बीच में मटकी लटकाई जाती है और लगभग 200 मीटर की दूरी तय करके हाथों के सहारे प्रतियोगी गोविंदा को लटकते हुए मटकी तक पहुंचने का सफर तय करना होता है। ओंकारेश्वर नगर के संगम घाट क्षेत्र के बबलू केवट ने इस बार की मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लेकर मटकी फोड़कर विजयश्री हासिल की। हरदा जिले के खिरकिया छिपाबड़ नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें नगर के सभी बुजुर्ग युवा एवं बच्चे भी शामिल थे। इस प्रभात फेरी में सभी ने अपने हाथों में राम नाम की ज्योत जला रखी थी। सभी ने मिलकर पूरे नगर में भ्रमण कर राम नाम का जाप किया। ये प्रभात फेरी श्री लक्ष्मण बालाजी मंदिर छिपाबड़ से प्रारंभ हुई और इसका समापन भी बालाजी मंदिर में हुआ। उसके बाद आरती प्रसादी का वितरण किया गया। राम फेरी में दगड़ूलाल गौर, मदनलाल गौर, रमेश मीना, पार्षद गोविंद मीना, विनोद मीना सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। दोपहर न्यूज के लिए हरदा से सुनील बालाकार की रिपोर्ट। शहर में विगत 34 वर्षों से गणेशोत्सव महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष एक नए भव्य पांडाल में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी राम दरबार का पांडाल बनाया गया है, जिसमें लालबाग के राजा की तर्ज पर खंडवा के राजा की आराधना की जाएगी। अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने बताया कि ये पूरे शहर में आस्था का केंद्र बन जाता है। शहर के आसपास से लोग परिवार सहित हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। हर वर्ष समान इस वर्ष भी दादाजी की पावन भूमि में गणेशोत्सव पूरे नगर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यहाँ पे बड़ा बम चौराहे पे जो गणेश बप्पा का पंडाल सजेगा, वो मुंबई के लालबाग की तर्ज पर खंडवा में खंडवा के राजा का पंडाल सजता है। इसमें कई आकर्षक झांकियाँ रहेगी और जो पंडाल का जो अंदर का लुक है, बाहर का डेकोरेशन है, वो राम दरबार के रूप में मनाया जाएगा और प्रभु श्री राम से, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी जाएगी कि जल्द से जल्द वोट का निर्णय आए और हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो। सारे शहर में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दोपहर न्यूज के लिए खंडवा से अंकित मार्कंडे की रिपोर्ट। 4 साल पुराने बलवा मामले के प्रकरण में महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने आधे दिन का शहर बंद करने के साथ ही ज्ञापन दिया। इस बंद में सभी व्यापारियों सहित हाथ ठेले वालों का भी समर्थन था। एसपी रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि अशोक पालीवाल के खिलाफ बलवा का प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में कोर्ट में पेशी पर नहीं आने पर 3 दिन पहले कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भेजा था। गिरफ्तारी नहीं देने पर सोमवार रात को तीनों थानों की टीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। राम डागोरे ने बताया, हिंदू जागरण मंच के बंद के आह्वान पर ना कोई आंदोलन ना कोई जबरदस्ती, सभी ने अपना समर्थन दिया और दुकानें बंद रखी। जब भी त्योहार आते हैं आए दिन जो है सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एकमात्र हिंदू संस्कृति ऐसी है जिसके ऊपर इस प्रकार की घटनाएं की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, उनको उठा करके कभी भी जब मन हो तब थाने में बंद कर दिया जाता है। ये गलत है, संवैधानिक रूप से सारी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कभी भी उठा करके गिरफ्तार करना, कभी भी जेल में ठूस देना, हम इसका
पुरजोर विरोध करते हैं, यह नहीं होना चाहिए और आगे अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। आज जो है पूरा खंडवा बंद कराया गया था और ज्ञापन देने के बाद में शांतिपूर्वक सभी दुकानदार, ज्ञापन के पश्चात पुनः 1 बजे से सभी को धन्यवाद देते हुए दुकानें खुलवा दी गई। दोपहर न्यूज के लिए खंडवा से अंकित मार्कंडेय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बड़वाह में शिक्षा विभाग खरगोन की जिला स्तरीय शालेय कबड्डी स्पर्धा मंगलवार को नगर के निर्मल विद्यापीठ स्कूल में संपन्न हुई। इसमें जिले की करीब 22 स्कूलों की 52 टीमों के चयनित करीब 600 छात्र छात्राओं ने खेल प्रतिभा का परिचय दिया। ये कबड्डी प्रतियोगिता 14 व 19 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बड़वा SDOP मान सिंह ठाकुर व थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया, विनोद जैन, प्रतीक जैन, आशीष झा द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा का पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दोपहर न्यूज के लिए खरगोन जिले के बड़वा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। ग्रेटनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। 7 राज्यों में 54 शोरूम स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में धूम मचाने वाली ग्रेट इंस्टेंट ट्रेडिंग कंपनी अब 8वें राज्य मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर के 5/2 बैराठी कॉलोनी मेन रोड टावर चौराहा इंदौर और 246 ऊषा नगर एक्सटेंशन रंजीत हनुमान मंदिर रोड इंदौर पर अपने 2 शोरूम स्थापित कर चुकी है। दोनों शोरूम पर मिलेगी आपको फिलिप्स, गोदरेज, सोनी, बुश, सैमसंग, पैनासोनिक, LG, वोल्टास, हिताची सहित और भी कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक अभूतपूर्व विशाल श्रृंखला। ग्रेट ईस्टर्न दे रहा है अपने ग्राहकों को हर खरीदी पर एक निश्चित उपहार। यही नहीं, ग्रेट ईस्टर्न ने दिया है लोएस्ट प्राइस चैलेंज कीमतों में दुगना अंतर। बजाज कैपिटल, फर्स्ट HDB, HDFC, EMI कार्ड ग्राहक को 0% फाइनेंस सुविधा। इसके साथ ही खरीदे गए माल की 50 किलोमीटर तक मुफ्त डिलीवरी। तो देर किस बात की, एक बार आप यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से ले जाएंगे। इंदौर कौटिल्य अकादमी वर्ष 2003 से शिक्षा जगत का एक ऐसा विश्वसनीय नाम जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के शिक्षा पटल पर तेजी से उभर कर सामने आया है। इंदौर कौटिल्य अकादमी ने अपनी अनूठी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को सवारा है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के माध्यम से संस्थान का गौरव बढ़ाए हुए हैं। इंदौर कौटिल्य अकादमी के संस्थापक नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में भविष्य के कर्णधारों को बड़ी ही कोमलता से तराशा जाता है। इंदौर कौटिल्य अकादमी, शिव विलास पैलेस राजबाड़ा एवं भवर कुआं चौक इंदौर। इंदौर कौटिल्य अकादमी, आपकी सफलता का प्रवेश द्वार। मूसाखेड़ी के राजा का 20वें वर्ष में प्रवेश। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर भव्य भजन संध्या का संगीतमय आयोजन रखा गया है, जिसमें हजारों महिलाएं एवं गणेश भक्तों द्वारा रंगारंग नृत्य, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, साथ ही अन्य आकर्षक उपहार वितरित किए जाएंगे। आप सभी को सर्वधर्म एकता गणेश उत्सव समिति द्वारा सादर आमंत्रण। दिनांक 12 सितंबर 2018, समय रात्रि 8 बजे। आयोजक सर्वधर्म एकता गणेश उत्सव समिति, निवेदक तुलसी राजू प्रजापत मूसाखेड़ी के राजा, गणेश भक्त मित्र मंडल इंदौर।